नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों इस वीडियो में मुझे आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी है रिटर्न और क्लेम को लेकर, तो बिना देरी करे वीडियो को आप शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने पास्ट में इस चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस रिटर्न और उन पे जो हम क्लेम करते हैं, चाहे वो SPF क्लेम हो, चाहे वो सेफ्टी क्लेम हो, या मीशो पे जो हम टिकट क्रिएट करके क्लेम करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्लेम हो, क्लेम का प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता तो आप मेरे वीडियो से सीख सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि क्लेम करना हमको आता है, लेकिन क्लेम अप्रूवल हो जाए इसका क्या तरीका है, सब लोग ये पूछते हैं। मैंने एक दो वीडियोस भी पास्ट में डाले हैं कि आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हैं क्लेम अप्रूवल के लिए, लेकिन उस पर भी मैंने काफी सारे सेलर्स के कमेंट देखे हैं। वो बोलते हैं कि सर कुछ भी कर ले लेकिन क्लेम अप्रूव नहीं होता है। तो देखिए यहां पर ये तो मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि ऐसा तो कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको 100% गारंटी दे दूं कि आप उस तरीके को अपनाएं और आपका क्लेम अप्रूव हो ही जाएगा। और आप प्रैक्टिकली भी सोचिए कि अगर ऐसा कोई तरीका होता फिर तो सेलर्स उसका मिसयूज करने लग जाते, तो ऐसा तो कोई तरीका नहीं है। अब मेन चीज क्या है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर सकते हैं। जब भी कोई हमें डैमेज रिटर्न आता है तो उस पर हम क्लेम करें, जब भी हमें कोई रिटर्न में कोई प्रोडक्ट हमें डिफरेंट मिलता है तो हम उस पर क्लेम करें। बहुत से सेलर का कहना है कि वीडियो जरूरी है, बहुत से सेलर का है कि बिना वीडियो भी वो क्लेम अप्रूव कर देते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो अमेजोन में मेरा जो क्लेम अप्रूवल रेशियो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फ्लिपकार्ट, और सबसे कम जो क्लेम अप्रूवल रेशियो है वो मेरा मीशो में है। पहले तो मैं आप सभी सेलर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू मैं एक सर्वे भी करना चाहता हूं कि सभी सेलर्स जो भी अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो पर सेल करते हैं, इनमें से कोई भी दो प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके सबसे ज्यादा क्लेम किस पे आते हैं। आप जैसे इस तरीके से बता सकते हैं कि मेरे, जैसे मैं आपको बताऊं मीशो में अगर मैं क्लेम डालता हूं तो उसमें मेरे 50% क्लेम ही अप्रूव होते हैं, मीशो 50%, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर पे फ्लिपकार्ट है जिसमें मेरे 80-90% क्लेम जो है वो अप्रूव हो जाते हैं। तो मैं लिखूंगा फ्लिपकार्ट 85%, और अगर मैं बात करूं अमेजोन की तो अमेजोन में 90-95% क्लेम जो है वो अप्रूव हो जाते हैं, तो मैं लिखूंगा अमेजोन 95%। तो मीशो 50%, फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट 85%, और फिर उसके बाद अमेजोन 95%। तो आप भी मुझे अपने केस में बताइएगा तो एक ओवरऑल सर्वे हो सके कि जैसे हम सभी सेलर्स इन मार्केटप्लेस पर सेल कर रहे हैं तो किस तरीके से क्लेम अप्रूवल हो रहा है। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस तो बता ही दिया, बाकी आप और सभी कमेंट्स भी जरूर पढ़ना, इससे क्या आपको भी पता चलेगा कि आपका क्लेम अप्रूवल उनके कंपैरिजन में कैसा है, और आप अपना भी जरूर बताना। तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस वीडियो के थ्रू में एक सर्वे करना चाहता हूं, ये सर्वे हमारा हो जाएगा तो हमें आइडिया लग जाएगा कि क्लेम अप्रूवल का इन तीनों मार्केटप्लेस पर किस हिसाब से चल रहा है, कितने क्लेम अप्रूव होते हैं सेलर्स की और बाकी सेलर्स का क्या हाल है। तो ये बहुत जरूरी वीडियो है। अच्छा, रिटर्न में एक चीज और भी इश्यू होता है पीओडी को लेकर, जिसको मैंने देखा है कि बहुत सारे सेलर जो है इसको इग्नोर कर देते हैं। देखिए पीओडी यानी कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी होता है, अमेजोन में आपको पता है ओटीपी बेस्ड रिटर्न डिलीवरी सिस्टम है, तो जो पीओडी के चांसेस है वो कम होते हैं कि आपको पीओडी डिमांड करनी पड़े। लेकिन मीशो और फ्लिपकार्ट में मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको रिटर्न को ट्रैक करना आना चाहिए। मैंने पास्ट में वीडियोस में भी ये चीज आपको सिखाई हुई है, अब मैं अपने डेटा मैनेजमेंट कोर्स में भी आपको ये समझाता हूं कि किस तरीके से आप रिटर्न मैनेजमेंट कर सकते हैं, पेमेंट रिकंसिलेशन कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी 18 सितंबर से बेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो आप उसके बारे में भी डिटेल ले सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि आपको रिटर्न ट्रैक करना आना चाहिए। रिटर्न ट्रैक से मेरा मतलब है कि जो ऑर्डर्स अमेजोन के हिसाब से, फ्लिपकार्ट के हिसाब से, मीशो के हिसाब से आपको मिल जाने चाहिए कि एक्चुअल में वो आपको मिल रहे भी हैं या फिर नहीं मिल रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं मिल रहे होंगे फिर आपको ऑर्डर भी नहीं मिलेगा, वो रिटर्न में पेमेंट भी नहीं मिलेगा। अगर आप ट्रैक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लिपकार्ट के हिसाब से तो कोई ऑर्डर है वो मिल जाना चाहिए, लेकिन ई कार्ट वालों ने हमें वो ऑर्डर नहीं दिया है, तो हम उसका फिर टिकट डाल सकते हैं कि हमें इसकी पीओडी चाहिए, और अगर उनके पास पीओडी नहीं होगी तो आपको वो क्लेम अमाउंट मिल जाता है। लेकिन मेन चीज है कि आप करेक्ट टाइम पर पीओडी डाल दें, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे 14 डेज की विंडो होती है और मीशो पे 7 डेज की विंडो होती है पीओडी डालने की। इन सब चीजों की वजह से सेलर बहुत ज्यादा लॉस में आता है ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में। मैंने पास्ट में भी वीडियोस के थ्रू आपको ये समझाया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा से वॉर्न करना चाहता हूं क्योंकि आने वाले टाइम में बिग बिलियन डे सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल हमें देखने को मिलने वाली है। उसमें आपके ऑर्डर्स भी ज्यादा जाएंगे तो रिटर्न्स भी ज्यादा आएंगे, तो वहां पर हम सिर्फ सेल्स में फोकस करते हैं और इन सब चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब आप बाद में कभी आप इस चीज को चेक करते हो और आपको लगता है पैकेट नहीं मिला, तब समय निकल जाता है और आप
पीओडी के लिए रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। तो बस इस वीडियो में मुझे रिटर्न के बारे में यही पॉइंट डिस्कस करना था, बाकी क्लेम के बारे में आपको सर्वे जरूर देना है कि आपका क्या फीडबैक है क्लेम को लेकर। तो जो भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे बाकी ऑनलाइन सेलर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं, थैंक यू।